नमस्ते, इंडिया न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। आपके साथ हूं मैं सोनल दहिया। नूह हिंसा के बाद हमने देखा कि बहुत सारे नाम सामने आए और नामों के साथ बहुत सारे धड़े भी हरियाणा में सामने आए। अब जो ताज़ा चर्चा हो रही है वो मोनू मानेसर को लेकर हो रही है, क्योंकि मोनू मानेसर के पक्ष में बहुत सारी पंचायतें हो रही हैं, बहुत सारे प्रदर्शन हो रहे हैं हरियाणा में कि मोनू मानेसर को रिहा किया जाए। और उसका जो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट है वो आया है जो कांग्रेस एमएलए हैं मामन खान, उनकी रिहाई के बाद। उनकी रिहाई का विरोध किया जा रहा है और उसके बाद मोनू मानेसर को रिहा करने की मांग उठ रही है। दरअसल हरियाणा में हमने देखा कि गुरुग्राम में किस तरह से गौरक्षक मोनू मानेसर के गाँव मानेसर में भीष्म मंदिर में एक बैठक हुई है, कई हिंदू संगठन इसमें शामिल हुए हैं। और ये बैठक जो है वो राजस्थान के नासिर जुनैद हत्याकांड और नूह हिंसा के जो आरोपी हैं मोनू मानेसर, उसकी जमानत को लेकर हुई है। क्योंकि इन संगठनों की तरफ से ये विरोध किया जा रहा है कि मोनू मानेसर को क्यों नहीं रिहा किया जा रहा है, उसको जमानत क्यों नहीं मिल रही है। और इसी के पक्ष में ये जो है बैठक की गई है, क्योंकि इसमें बहुत सारे हिंदू संगठन शामिल हुए हैं और उनका लगातार यही कहना है कि मोनू मानेसर को जमानत मिलनी चाहिए। इस मामले में उनका कहना है कि 7 अक्टूबर को एक और बैठक की जाएगी और उसमें आगे की रणनीति पर वो लोग फैसला लेंगे। इस दौरान जो संगठन है उनमें नूह हिंसा के जो दूसरे आरोपी हैं कांग्रेस के विधायक मामन खान, उनको रिहाई मिल गई है। उस रिहाई पर भी गुस्सा जताया गया है कि उनको रिहा कैसे किया गया। उन्होंने कहा है कि जब कांग्रेसी विधायक मामन खान को जमानत मिल सकती है तो फिर मोनू मानेसर जेल में क्यों है। उन्होंने कहा है कि राजनीतिक साजिश के तहत मोनू मानेसर को राजस्थान पुलिस ने गिरफ्तार किया है और उसको जमानत मिलनी चाहिए। कुछ दिन पहले हमने देखा था कि विश्व हिंदू परिषद की एक मीटिंग में भी इमरान नाम का एक संदिग्ध युवक वहाँ पर मिलने के बाद बैठक में पत्रकारों समेत बड़ी भारी संख्या में बाहरी लोगों को एंट्री वहाँ पर नहीं दी गई थी, जिसका भी विरोध कहीं ना कहीं लोगों का देखने को मिला था। 7 अक्टूबर को मोनू मानेसर की पटौदी में हत्या के प्रयास मामले में भी प्रोडक्शन वारंट पर उसको लाने की तैयारी चल रही थी। और वारदात चूंकि 7 फरवरी 2023 की रात को हुई थी, जहां पर दो समुदायों के बीच में पथराव हुआ था, फायरिंग हुई थी। 15 दिन के बाद मामन खान की जेल से रिहाई हुई है। मामन खान को लेकर भी कांग्रेस के जो नेता हैं वो लगातार कहते रहे कि मामन खान निर्दोष हैं। कुछ का कहना है कि कोर्ट अपना काम कर रहा है और उनके साक्ष्यों के आधार पर उन आगे का फैसला जो है वो लिया जाएगा। उसको लेकर भी राजनीति क्योंकि काफ़ी ज़्यादा रही इस बीच, और मामन खान को इस वक्त उनके रिहा होने के बाद अब मोनू मानेसर की रिहाई की मांग जो है वो हरियाणा से उठ रही है। लगातार जो मोनू मानेसर हैं वो राजस्थान पुलिस के हवाले हैं और नूह हिंसा के केस में पकड़ा जा चुका है। हिंसा के बाद ब्रजमंडल की यात्रा हुई, जिसमें भी घोषणा की गई थी साफ तौर पर कि जो भड़काऊ पोस्ट वहां पर की गई थी उसको जिम्मेदार ठहराया गया था और एक इन्वॉल्वमेंट कहीं ना कहीं मोनू मानेसर की नज़र आई थी। लेकिन अब इस पूरे मामले में जो धड़े बट गए हैं, जो हिंदू संगठनों की बैठकें हो रही हैं, उनमें यही मांग उठाई जा रही है कि मोनू मानेसर को जल्द से जल्द रिहा किया जाए। हालांकि कानून इस पर अपना काम कर रहा है, लगातार प्रोडक्शन वारंट पर लेकर पूछताछ चल रही है। अब देखना ये होगा कि किसकी कितनी इन्वॉल्वमेंट है और क्या सज़ा लोगों को मिलती है, और अगर वो दोषी नहीं है तो फिर उनको रिहाई कैसे मिलेगी, और इसको लेकर किस तरह का प्रावधान अब आगे कोर्ट की तरफ से रहेगा, ये देखने वाली बात रहेगी। लेकिन हरियाणा में दो धड़े अलग अलग दिख रहे हैं, जो कि मामन खान की रिहाई का विरोध कर रहे हैं और जो मोनू मानेसर है उसकी रिहाई के पक्ष में दिखाई दे रहे हैं। उनका कहना है कि मोनू मानेसर को जल्द से जल्द रिहा किया जाए।